नमाज के अरकान। पहला, नियत। दिल के इरादे को नियत कहते हैं। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अमल का दारोमदार नियत पर है। दूसरा, तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल होना। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी यानी चाबी तहारत यानी पाकी है, उसकी तहरीम तकबीर करना और अहलील सलाम करना है। तीसरा, ताकत हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना। अल कुरान, नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियान यानी बीच वाली नमाज की, और तुम अल्लाह के लिए फरमावरदार बनकर खड़े रहा करो। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठकर नमाज पढ़ो, बैठने की ताकत ना हो तो लेटकर नमाज पढ़ो। चौथा, सूरह फातिहा पढ़ना। हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस इंसान की नमाज नहीं है जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी। पांचवा, रुकू करना, छठा रुकू से उठना। सातवा, रुकू से उठकर सुकून के साथ सीधा खड़े होना। आठवां, सजदा करना। नौवां, सजदे से उठकर हल्का सा बैठना। दसवां, रुकू और सजदे में इत्मीनान रखना। ग्यारहवां, तशहुद के लिए बैठना। बारहवां, सलाम फेरना। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।